नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन शक्ति में। माय फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी फास्ट कैश मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और आपने अब तक उसका भुगतान नहीं किया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय फ्रेंड्स, मेरे पास में अक्सर आप लोग के ईमेल्स आते हैं, सर हमने फास्ट कैश मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले लिया और हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टी लगाई जा रही हैं डे बाय डे, अब हम क्या करें। बहुत ज़्यादा आप लोग के माइंड में टेंशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ऐसी मैंने कई एप्लीकेशन देखी हैं जो कि पूरे तरीके से आरबीआई से ऑथराइज नहीं है, लेकिन वह अपने आप को कहती हैं हम आरबीआई की ऑथराइज एनबीएफसी के तहत आपको लोन प्रदान करा रहे हैं। अगर उनका अबाउट सेक्शन वगैरह भी देखें तो क्लियरली वह अपने अबाउट सेक्शन में लिख के रखती हैं कि हम फलाना एनबीएफसी से ऑथराइज हैं, और जब उस एनबीएफसी से बात की जाती है तो वह एनबीएफसी क्लियर कर देती है कि नहीं जी, ये एप्लीकेशन हमारी नहीं है। अब इस केस में क्या हो, देखिए व्यक्ति जो होता है एक आम व्यक्ति, वो इतनी जाँच पड़ताल नहीं करता है। उसको क्या है, उसने लोन के लिए अप्लाई किया, देखा कि हाँ भाई एनबीएफसी ऑथराइज है और उसको लोन मिल गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उसकी अच्छे तरीके से तहकीकात करें, उसकी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, तब जाकर के किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वरना देखिए, मैं तो आपको अक्सर यही कहता हूं कि आप किसी भी डिजिटल लेंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ना लो, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पास में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार ने मुझे ईमेल किया जिसमें कि बताया, सर मैंने फास्ट कैश से 3600 रुपये का लोन लिया, ठीक है। अब उस 3600 रुपये का लोन का मैं भुगतान नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 से 5 दिन लेट किया। उसके बाद में इन्होंने पहले तो मुझे गाली गलौज किया, काफ़ी डराया, काफ़ी हरास किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, मैं इनका पैसा नहीं दे पाया। अब हार थक करके मैंने क्लियर ही कर दिया कि भाई मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, भैया मुझे माफ़ करो, मेरे पास में पैसा नहीं है, बात ख़त्म। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आते हैं। आपको बताइए कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति इनका एक दिन या दो दिन लेट कर दे, ये न्यूड फोटो बना करके भेजना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही गलत कार्य करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही किया, 3600 के लोन को पूरे तरीके से इन्होंने 20,000 बना दिए। बताओ, 3600 का लोन 20,000 बना दिया, अरे कोई तरीका हो गया भाई किसी चीज़ का। तो दोस्तों, रवि ने तो खैर मना कर दिया पेमेंट करने से, लेकिन आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जो फास्ट कैश लोन एप्लीकेशन है क्या ये आरबीआई से ऑथराइज है। तो देखिए बता दूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं, ज़्यादातर ये ऑथराइज नहीं होते हैं। और अगर आपको रियल इनका ऑथराइजेशन चेक करना है तो आप इनसे क्लियर कहें कि भाई देखिए, आप हमें पूरी तरीके से लोन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएं, उस लेटर में पूरी डिटेल उपलब्ध होंगी और जो उस लेटर में डिटेल होंगी जिस एनबीएफसी के बारे में लिखा होगा, आप उस एनबीएफसी से संपर्क करें कि भाई देखिए हमें ये लोन सैंक्शन लेटर दिया है इस एप्लीकेशन के द्वारा और इसमें आपको लेंडर बताया है, ठीक है। फिर जब आप उनसे संपर्क करेंगे, उनसे पूछें, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हमारी एप्लीकेशन है, इन्होंने पूरे तरीके से सही बताया है, तो आप पूरे तरह से उनको बताएं कि देखिए मेरे साथ में ये इशू कर रहे हैं, अब इसको आप रिजोल्व करोगे या वो रिजोल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बताया, अगर आप किसी भी आरबीआई ऑथराइज एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले लेते हैं तो वह आरबीआई ऑथराइज जो एनबीएफसी होती है वह आपके सिविल में पूरे तरीके से शो करा देती है आपके लोन अमाउंट। अगर आप भुगतान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो देखिए आपको पता होगा सिविल इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको अपने सिविल का भी ध्यान रखना है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई एनबीएफसी गलत कार्य करती है, अगर कोई एनबीएफसी पूरे तरीके से आरबीआई से ऑथराइज है, तो देखिए उसके ऊपर तो आप इजीली एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एनबीएफसी ऑथराइज एप्लीकेशन नहीं है उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जो कि बाहर से ही रन कराई जाती हैं, उनका इंडिया में किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी पूरे तरीके से आपके साथ में गलत करे, तो देखिए आप कानून का सहारा लें, जो भी पूरे तरीके से कंप्लेंट करने के जो हमने आपको प्रोटोकॉल बताए हैं, आप उस पूरे प्रोटोकॉल को
फॉलो करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो बहुत सी हमने वीडियोस बनाई हैं, आप चेक कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपने भी फास्ट कैश मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपके लोन को 8,000 का 16,000 बना दिया है, किसी का 3,000 का 10,000 बना दिया है, आपको उसका 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। उससे कहिए पहले आप पूरे तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के आइए, उसके बाद लोन प्रदान कराना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।